अरे हम दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे और एक न्यू वीडियो के साथ। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों बनाना सीखेंगे शिव पार्वती की मूर्ति। पहले तो दोस्तों सूखा हुआ ईंट ले लेंगे और उसके बाद वहाँ पे पानी चढ़ा करके दोस्तों पतला लेयर चढ़ा लेंगे कुछ इस प्रकार से मिट्टी से। और दोस्तों इसी प्रकार से सारे तरफ चढ़ा मिट्टी से लेप देंगे। चलिए इसे भी फटाफट कर लेते हैं। पूरे ईंट में कवर करने के बाद कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा मिट्टी ले लेंगे और दोस्तों कुछ इस प्रकार से बेल बेल करके कॉयल बना लेंगे। थोड़ा लंबा कॉयल बनाएंगे दोस्तों और कुछ इस प्रकार से उसी को दो भाग करके दो पैर के लिए बना लेंगे। कुछ इस प्रकार से नीचे के साइड में पैरों का स्ट्रक्चर थोड़ा बना लेते हैं ताकि और भी आसान हो सके। तो इसीलिए दोस्तों इसी प्रकार से बना देने के बाद अभी कॉयल में तो सीधा ही कॉयल बना दिए थे तो इसीलिए पैर की तरह दिखने के लिए थोड़ा थोड़ा और मिट्टी ऐड करेंगे कुछ इस प्रकार से और उसी पे दोस्तों फिनिशिंग कर देंगे थोड़ा पानी लेकर गया। उसके बाद दोस्तों ढेर सारा मिट्टी ले लेंगे और उसी को हम पेट के स्ट्रक्चर बना लेंगे कुछ इस प्रकार से और पैरों के साथ ज्वाइंट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। ज्वाइंट कर देने के बाद दोस्तों इसी प्रकार से उंगली में पानी भिगो करके दोस्तों कुछ इस प्रकार से और फिनिशिंग कर लेंगे इसी को बॉडी को। तो पूरी आधा बॉडी तो हो चुका है दोस्तों। अभी ऊपर में ऊपर के साइड में बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने के लिए और थोड़ा थोड़ा ऊपर में कुछ इस प्रकार से जहाँ जहाँ पे मैं मिट्टी ऐड कर रहा हूँ उसी जगहों पे दोस्तों इसी प्रकार से ऐड करते जाएंगे इसी प्रकार से धीरे धीरे बनाते जाएंगे। और एक बात दोस्तों, थोड़ा बहुत भी हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसी प्रकार की मूर्ति मेकिंग वीडियो देखना चाहते तथा सीखना चाहते हैं तो इस चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे दोस्तों इसी मूर्ति को दोस्तों आगे कलर करना भी सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए इसी प्रकार से फटाफट बना देते हैं। आगे माता पार्वती को भी बनाना है तो चलिए इसी प्रकार से बनाते जाएंगे। दोस्तों शिव जी का तो पूरे शरीर तो बना चुके हैं आधा। इतना बना देने के बाद पैर का उंगली बना देंगे क्योंकि दोस्तों धीरे धीरे बना रहे हैं ना तो इसलिए सूखने की संभावना है तो इसलिए पहले ही बना जाएंगे नीचे से। तो इसी प्रकार से दोस्तों बनाते जाएंगे धीरे धीरे। अभी दोस्तों बाघ की खाल को बनाने के लिए कुछ इस प्रकार से पतला पतला स्लेब बना करके वहाँ पे शिव जी को पहना देंगे क्योंकि आप लोग को तो पता ही होगा दोस्तों शिव जी बाघ की खाल पहनते हैं। तो इसी प्रकार से बना देने के बाद दोस्तों इसी को पानी की मदद से फिनिशिंग कर देंगे। पानी से फिनिशिंग कर देने के बाद टूल की मदद से कुछ इस प्रकार से वहाँ पे बहुत डिज़ाइन भी कर लेंगे ताकि और भी अच्छा सुंदर देख सके। इसी प्रकार से बना देने के बाद ब्रश लेंगे और उसी को और फिनिशिंग कर देंगे दोस्तों इसी प्रकार से, क्योंकि उंगली से करेंगे तो और भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है इसलिए वहाँ पर ब्रश का यूज़ करेंगे। इतना बना देने के बाद अभी कमर बंधन के लिए कपड़ा बना लेंगे वहाँ पे कपड़ा से कमर बंधन कर से बना देने के बाद वहाँ पे भी टूल की मदद से फोल्ड को बना करके वहाँ पे ब्रश की मदद से फिनिशिंग कर देंगे। इतना बना देने के बाद दोस्तों अभी आधा आधा हाथ बना रखेंगे फिर बाद में पार्वती माता को भी इतना बना देने के बाद फिर से इसे शुरू करेंगे दोस्तों। इसलिए यहाँ पर आधा आधा हाथ को बना करके छोड़ेंगे ताकि और भी स्ट्रॉन्ग आ सके। अभी मिट्टी ज़्यादा गीला है तो इसलिए टूटने की भी ना ज़्यादा रहता है तो इसलिए यहाँ पे आधा आधा हाथ बना करके दोस्तों थोड़ा थोड़ा टाइट आने के बाद ही बनाएंगे करके। तो इतना बना देने के बाद ऊपर में गर्दन के लिए गर्दन को ऊंचा रखेंगे और इतना बना देने के बाद अभी पार्वती माता को बनाने के लिए जैसे शिव जी को बनाए थे उसी प्रकार से लंबा कॉयल बना लेंगे। उसी को दो भाग करके दोस्तों पार्वती माता को माता की दो पैर बना लेंगे। दो पैरों को बना देने के बाद दोस्तों थोड़ा बहुत पानी की मदद से फिनिशिंग करने के बाद ऊपर में इसी को ज़्यादा फिनिशिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऊपर में साड़ी तो पहनाएंगे दोस्तों इसलिए यहाँ पे ज़्यादा फिनिशिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है।
इतना बना देने के बाद पेट को भी ज्वाइंट कर लेंगे। जैसे ढेर सारे मिट्टी लेकर के शिव जी को बनाए थे उसी प्रकार से बना देने के बाद साथ ज्वाइंट करके फिनिशिंग कर देंगे और इसी प्रकार से धीरे धीरे बनाते जाएंगे। दोस्तों आधा शरीर को बना देने के बाद ही अब मैं तो बनाता हूँ नीचे से ऊपर तक धीरे करके कुछ इस प्रकार से बनाते जाएंगे। दोस्तों अभी साड़ी को बनाने के लिए इसी प्रकार जैसे जी के बाघ की खाल को बनाए थे इसी प्रकार से छोटा छोटा स्लेब की तरह बना करके दोस्तों वहाँ पे पार्वती माता की साड़ी बना लेंगे कुछ इस प्रकार से धीरे धीरे करके पानी की मदद से फिनिशिंग करते जाएंगे और बनाते जाएंगे इसी प्रकार से धीरे धीरे करके। बीच में कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा और मिट्टी दे देंगे यहाँ पे बीच का कमर बंधन का कपड़ा बनाने के लिए यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे टूल का यूज करेंगे फोल्ड बनाने के लिए और यहाँ पे भी ब्रश का भी यूज करेंगे फिनिशिंग करने के लिए। हाथों से करेंगे तो यहाँ पे खराब हो सकता है तो इसलिए हम यहाँ पे ब्रश का ही यूज करेंगे ताकि और भी स्मूथ देख सके और अच्छे से स्मूथली यहाँ पे फिनिशिंग हो जाता है तो इसलिए यहाँ पे ब्रश का यूज करेंगे कुछ इस प्रकार से। तो इतना बनाए देने के बाद दोस्तों कमर बंधन की यहाँ पे गहना बनाएंगे कमर बंधन बनाएंगे दोस्तों पार्वती माता की देख सकते हो तो कुछ इस प्रकार से धीरे धीरे बनाते जाएंगे। कमर बंधन को बना देने के बाद दोस्तों जैसे शिव जी को आधा हाथ बनाए थे उसी प्रकार से पार्वती माता को भी आधा हाथ बना लेंगे। ऊपर में कैमरा तो नहीं लिया तो दोस्तों इसलिए वहाँ पे थोड़ा बहुत दिखा नहीं पाया। अभी गर्दन के लिए थोड़ा सा मिट्टी ले लेंगे और वहाँ पे गर्दन बना देंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही बनाएंगे दोस्तों और इसी का फुल कम्प्लीट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में बना करके दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।